शाहजहांपुर में दो भाइयों के विवाद में एक 3 महीने के मासूम बच्चे की जान चली गई। यहां घरेलू विवाद में महिला के हाथ से 3 महीने का बच्चा छूटकर जमीन पर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। घटना थाना पुवाया क्षेत्र के नहीलोरा गांव का है, जहां के रहने वाले नागेश का अपने ही परिवार के वीरपाल और हरिओम से विवाद हो गया था, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। इसी बीच नागेश की पत्नी की गोद से 3 महीने का बच्चा छूटकर जमीन पर गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिवार के लोग मासूम की हत्या का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बच्चे की मौत हुई सर, ये लोग हम अपने दरवाजे पे थे, वो आपस में थोड़ी मामूली कहासुनी हो रही थी, वो लोग हमें लाठी डंडों से पीटने लगे। बीबी ने जब बचाने की कोशिश की तो उन लोगों ने बीबी और अपने आप मिलकर सब लोगों ने मेरी बीबी को भी मारा। बच्चा हाथ से छूट गया सर, बच्चा जमीन पे गिर गया। जब बच्चे को यहाँ लेके आया एसके वर्मा के यहाँ, तो उन्होंने बोला कि बच्चा तो मर गया है। घटना हुई थी थाना पुआया क्षेत्र में, तत्काल उनकी तहरीर पर मुकदमा कायम हुआ और बच्चे की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। पीएम रिपोर्ट अभी थाने पर बात करने पर पता चला कि उसमें सेप्टिसीमिया के कारण उसकी डेथ हुई है, जो कि एक तरह से इन्फेक्शन होता है। तो ये है प्रेजेंट स्टेटस, और बाकी विवेचना के दौरान डॉक्टर का बयान लिया जाएगा, उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।